अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम मुर्गियों को हमने बाहर छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने जिस मुर्गी ने चूज़े निकाले हुए थे उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। देखो चूज़े यहाँ बहुत खुश है, और हमारे जो बड़ा मुर्गी है उसको हमने इस केज में बंद करके रखा हुआ है। बड़ा मुर्गी और मुर्गा दोनों को, चलो हम आपको, हमारे बड़े मुर्गे ने अंडे दिए हैं, चलो हम आप लोगों को वो दिखाएंगे। तो हम केज के अंदर आ गया है, इसका ये पहला अंडा है, यहाँ पर लगा है। ओए यार, इसने तो बहुत बड़ा अंडा दिया है यार, ये तो बतख के अंडे से भी बड़ा है, बहुत ही बड़ा अंडा है यार। देखो ये दो अंडे ख़राब अंडे है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर अंडे लगाने के लिए रखा हुआ है। वो हमारे बड़े मुर्गी को यहाँ रखे तो वो अंडा देते हैं, ठीक है, जो मुर्गे अंडे नहीं देते उनके लिए हम ऐसा ट्रिक आजमाते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, ठीक है। चलो हम इसको आप लोगों को दिखाएंगे, अरे बहुत बड़ा अंडा है, ये देखो दोस्तों, बहुत ही बड़े अंडे दिए हैं, इसका पहला अंडा है, ठीक है। ये 3-4 दिन से अंडे देने के लिए घोंसला तलाश कर रहा था, इसलिए हमने इनको यहाँ पर घोंसला बनाकर दो अंडे रखे थे ख़राब, और इसने अंडे दिए हैं, बहुत ही बड़ा अंडा। चलो हम आप लोगों को दूसरे अंडों का फ़र्क दिखाएंगे, दूसरा अंडा लाएंगे यहाँ से, ये देखो इस अंडे में और दूसरे अंडे में कितना फ़र्क है, ये बिल्कुल इसके दो है। मेरे ख्याल के मुताबिक इससे दो चूज़े निकलेंगे एक ही अंडे से। चलो यार बहुत खुश हूँ मैं आज, इसने पहले अंडे दिए हैं और इतना बड़ा। चलो हम आप लोगों को हमारे दूसरे मुर्गे दिखाएंगे, और कबूतर के बच्चे को भी दिखाए हुए 3-4 दिन हो गए, चलो हम आप लोगों को वो कबूतर के बच्चे भी दिखाएंगे। चलो ऊपर छत पर जाएंगे, अभी उनको दिखाएंगे। कोई भी मुर्गी यहाँ नहीं है, कहाँ गया है पता नहीं है, ठीक है, पूरे एरिया में हमने देख लिया है, एक भी मुर्गी नहीं दिखाई दिया, वो कहीं घूमने गया होगा। चलो अभी छत पर जाते हैं, आप लोगों को हम अपना कबूतर के दोनों बच्चे दिखाएंगे। चलो अभी जल्दी से जाएंगे और आप लोगों को कबूतर के बच्चे दिखाएंगे, वो काफ़ी बड़ा हो गया। चलो ये देखो, ये दोनों बाहर निकले हुए, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं। चलो अभी हम आप लोगों को अपना दोनों बच्चे दिखाएंगे, देखो काफ़ी बड़ा हो गया, एक पर बाल नहीं आ गया और दूसरे पर बाल आ गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस पर बाल नहीं आ गया है वो मेरे ख्याल के मुताबिक वाइट होगा, इसलिए देर से आते हैं, और जो ब्लैक है उस पर आया हुआ है। और हमारे ये जो कबूतर है इसने भी अपने अंडों का इंक्यूबेट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, ये देखो दो अंडे। हाँ एक बात, इस पर हमने जो वाइट मुर्गी के अंडे रखे हुए थे वो ख़राब हो गए, इसलिए हमने उसको बाहर फेंक दिया है। चलो अभी जाते हैं, देखो पहाड़ों पर बादल आए हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है मौसम। चलो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के सबकी नजर।